सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ भैया, फैब अटेम्प्ट हैशटैग फैब अटेम्प्ट हॉट आइटम्स में फिर से आपका स्वागत। मैं प्रकाश गुप्ता ऑल्सो नोन एज पीजी सर, आपका बेहद स्वागत, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेहद क्या होता है भाई, बेहद खुशी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ मैथ्स 101 चैनल में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन लोग लेके आए फिर से वापस 26 फरवरी को पूछा गया इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन दिस इज गोइंग टू बी द पीजी सॉल्यूशन। पीजी सॉल्यूशन भाई साहब, अगर सॉल्यूशन पसंद आए शेयर करना ना भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। आपके किसी भी जिस फ्रेंड ने आपको इस चैनल तक पहुंचाया है उसे दुआ में याद रखें, पीजी सर को दुआ में याद रखें, उनका कोड इस्तेमाल करके PGYT टू डाउनलोड अन अकेडमी की ऐप यदि आप डाउनलोड करते हैं और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलता है ना, तो ये सब चीज़ें तब जब आपको सॉल्यूशन देख के मज़ा आ जाए। अच्छा देख भैया सुन, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो एक बात तो पक्की है भाई, क्रैमर रूल का क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले तो ये यूनिक सॉल्यूशन इन्फिनाइट सॉल्यूशन इतनी सारी जो भी बातें हैं ध्यान दे, इसकी राइट हैंड साइड में अननोन्स हैं ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड पूरी तरीके से नोन है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट कोफिशियंट वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकाल सकते हो, 1, 2, -3, 2, 6, -11, 1, -2 और 7, ये इनके एक्स वाई जेड के कोफिशियंट से मैंने डिटर्मिनेंट बना दी। ठीक है, मेरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है, अलग है दुनिया से। मैं इस तरीके से डिटर्मिनेंट ओपन करता हूँ, दिस इंटू दिस 42 प्लस दिस इंटू दिस विच इज़ -2, ओ सॉरी -22 है ना, फिर प्लस दिस इंटू दिस कितना आया 12, फिर माइनस में फॉरवर्ड स्लैशेस, अभी बैकवर्ड स्लैशेस लिए थे अब फॉरवर्ड स्लैशेस लेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश दिस इंटू दिस इज -18, तो ये हो जाएगा +18। ठीक है, फिर माइनस दिस इंटू दिस दैट इज प्लस का 22, यानी कि माइनस एज इट इज रहेगा -22, एंड लास्ट बचा 7 और 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है कितना हो गया 28, तो ये हो गया -28। ठीक है बच्चों, है ना, 42 और 18 हो गया 60 और 60 72, नाइस, और -44 और 52 -72। ओ ये बात ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, आप जो सॉल्यूशन लिखते हो ना d1 upon d एटसेट्रा, इसका डिनोमिनेटर तो जीरो आ चुका है, एंड इफ डिनोमिनेटर जीरो, यूनिक सॉल्यूशन का तो फंडा हो गया खत्म, यूनिक सॉल्यूशन की तो बात हो गई फिनिश। सुन 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 मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन, यूनिक सॉल्यूशन का फंडा तो हो गया खत्म, यानी कि आगरा और दिल्ली की तो बात करने का सेंस नहीं बचा। अब क्या है भाई, अब या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे जब न्यूमरेटर भी जीरो होगा, और या फिर ध्यान से सुनना, या होंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सुन, मैंने ऑप्शन से कितनी प्यारी चीज निकाली, कितनी प्यारी चीज निकाली, सुनना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं थिंक, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप इसे अलग तरीके से करोगे। आपको d1 d2 d3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के उसे जीरो करने के बराबर वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तू बुद्धि लगाएगा अच्छे से, सुनना अच्छे से मेरी बात, d1 d2 d3 जीरो करेगा तब भी तेरा आंसर आ जाएगा। बट मैं तेको एक बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूँ, कब आते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशन तीन इक्वेशंस के, ये इक्वेशंस प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं। किन को रिप्रेजेंट करती है, प्लेन को, या तो उन तीन प्लेन में से दो प्लेन कोइंसिडेंट हो जाए, तीसरा प्लेन काटता हुआ चला जाए, ठीक है तीसरा प्लेन काटता हुआ चले जाए, है ना, तो आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन आते हैं। वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरेललिज्म टाइप की चीज़ आपको नजर नहीं आएगी। थोड़ी देर में आप इनके वो देखोगे ना डीआर, तीनों प्लेन के, तो इनके तीनों डीआर जो हैं वो आपको प्रोपोर्शनल नज़र नहीं आएंगे, इसका मतलब ये पैरेलल तो नहीं हो सकते, तो कोइंसिडेंट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक ठीक, दूसरी कंडीशन सुन ले, इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं तीन प्लेन की इक्वेशन, जब वो एक ही इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहे हो, यानी कि तीनों प्लेन एक इंटरसेक्शन लाइन से अगर पास होते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तेरे को, फैमिली ऑफ प्लेन का P1 + λ P2 यदि तेरे को P3 दे देता है, अगर तेरे को P3 दे देता है ना, तो इसका मतलब वो एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। दिस इज
बोलते हैं ना मैजिकल अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मजा आ जाएगा मतलब आपको लिटरली। एंड इफ यू लाइक द सॉल्यूशन प्लीज 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 लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में लिख के बताएं कि सॉल्यूशन कैसा लगा। तभी मास्टर के द्वारा आपके लिए किए गए इन प्रयासों का फायदा होता है और उसे मोटिवेशन मिलता है और वो और अच्छी चीजें आपके लिए बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके चलो। अब मैं क्या बोल रहा था सुनना, मैंने ये तो बता दिया आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, जब तीनों प्लेन एक ही लाइन से पास होते हैं। एक ही लाइन है, यहाँ से एक ऐसा प्लेन पास हो रहा है, एक ऐसा प्लेन पास हो रहा है, एक ऐसा प्लेन पास हो रहा है, जो आप फैमिली ऑफ प्लेन का जो कॉन्सेप्ट करते हैं ना वो वाली चीज़। अच्छा, मैंने बोला भाई इसने मेरे को बोला है कि यार इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे जब 5a इज इक्वल टू 2b प्लस c होगा, समझ रहे हो? यानी कि सुन 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 सुन, पहली वाली जो इक्वेशन है ना उसको तो तेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो तेरा 5a बनेगा, अभी तो तेरा 5a बनेगा, है ना? लेफ्ट साइड में देख क्या बनेगा, अगर तू 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो लेफ्ट साइड बन जाएगी 5x प्लस 10y माइनस 15z, बनेगी कि नहीं बनेगी बता दे जल्दी से फटाफट, हैं? 2b प्लस c, अगर अगर 2b प्लस c यानी कि सेकंड इक्वेशन को 2 से और थर्ड इक्वेशन को डायरेक्टली अगर ऐड कर दिया जाए, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड को यदि ऐड कर दिया जाए और अगर यही बन गई, अगर यही बन गई तो हो गया ना मेरा काम। अरे हो गया, बन गया P1 प्लस लैम्बडा P2 बराबर P3। टुंगड़का टुंगड़का टुंगड़का, समाप्त, क्वेश्चन फिनिश। देख ध्यान से, सेकंड इक्वेशन को, सेकंड प्लेन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4x प्लस 12y माइनस 22z, और तीसरी वाली कोई डिटर्मिनेंट विटर्मिनेंट नहीं बनानी पड़ी, समझ रहे? और कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हुआ इससे। टुंका चिक्का टुंका चिक्का टुंका चिक्का रे, हो गया है काम, हो गया है काम, फिनिश, दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन है भाई साहब। तीनों जो प्लेन है वो एक ही लाइन से पास हो रहे हैं और 100% बॉम्बे आंसर है, और चूंकि बॉम्बे है इसलिए नो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं। ठीक है, अदरवाइज आप D1 D2 D3 को जीरो करेंगे, उसमें दिल में धक धक रहेगी, और यार D1 को तो करके कंडीशन निकाल ली, D2 D3 तो चेक ही नहीं करा, समझ रहे हो? है ना, उसमें धक धक रहेगा, धक धक, तो वो धक धक को खत्म कर, टंटा समाप्त कर, टंटा समाप्त, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली एकदम समझ बात को, 100% इन्फिनाइट सॉल्यूशन, 100%। ठीक है, सो इफ यू लाइक द सॉल्यूशन प्लीज लाइक द वीडियो, है ना, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, है ना। और फटाफट से लास्ट की बातें, फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस में यदि आप अगले 3 महीने के लिए जो भी आपकी कमी पेशी रह गई है फैब अटेम्प्ट को देखने के बाद, तो प्लस सब्सक्राइब करिए, प्लस में इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर आपको मिलते हैं, और यूज़ माई कोड PGYT टू गेट एडिशनल 10% ऑफ। लेकिन ये 10% ऑफ सिर्फ कब तक है? 28 फरवरी तक। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, 28 फरवरी वाली डेडलाइन जरूर बताएं, क्योंकि फिर वो अचानक से 5% डिस्काउंट देखेंगे, फिर वो मास्टर वाली देंगे, अरे भाई साहब उसने बोला 10% मिलेगा, यहाँ तो 5% लिखा रहा है। ठीक है, तो पहले ही मास्टर डिस्क्लेमर डाल रहे हैं। ठीक, ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि हर महीने मचाना है। ओके, चलो रे।